ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धान्ति प्रभव श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष अवदार जमाधुर्य गुणैश्वरयुक्तम् वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम स्तम शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्दचरित्राय स्वाश्रितानञ्च पालिने जीवदुःखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। हरिवार्षभान विदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्णासमन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगविरुधाप सिद्धान्तदन्तहारिणे। नमो गौरवीश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभरायते गौराविभावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भजो श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यदवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलघुविन्ददेव पृष्ठलिभिः सेव्यमान स्मरामि श्रीमान् रासरसरम्भि वंशीवटतटस्थितौ कर्षणवेणुसुनिर्गोपि गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसति गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दावा नाला साम संसार जाने दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुणा वारी कृपा वारी दाने बद से गुरु शरण कमला कीर्तने रहे नमावना महामाता मने रोमांचकम पासु हाय गौरा प्रेमे बद से गुरु शरणा कमला सदाया सजीनी विग्रह सेवने रिंगवारियार मंदिर मार्जने Thank you.
दादा Thank you.
Yeah.
भजन गाए ना आज कीर्तन दे दो तो कीर्तन को निकाल कर वो जो भजन गाए हैं ये भजन आज जिनका तिरुभाव तिथि है वो प्रभुपाद का एक शिष्य है उनका नाम भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज हैं। इन्होंने एकदम 10-11 साल उम्र में उन्होंने मंदिर में आए थे और प्रभुपाद का चरण आश्रय करते हुए उन्होंने भजन किया है, भक्ति किया है और बड़े स्ट्रांग वक्ता थे। ऐसे बोलते थे ना, ऐसे हरी कथा बोलते थे, छक्का उड़ा देते थे हैं। इसलिए उन्होंने कभी उन्होंने हमारे ठाकुर जी को बोले, बोले देखो जैसे जगन्नाथ जी है, हाँ जगन्नाथ जी वो प्रेम में द्रवीभूत तो होगा ना भगवान का, जैसे हाथ ऐसे है ठाकुर जी की प्यार नहीं जगन्नाथ जी को। तो उन्होंने कभी बोले हमारे आल्हा ने तुम्हारी जगन्नाथ जी को हाथ फाथ काट दी, तो उनको बड़ा क्रोध आया था। अब देखना वो जो मुसलमान लोग ना काछा देकर नहीं पहनते, जो ये पहनते हैं लुंगी जो पहनते हैं काछा कभी नहीं, जैसे हम लोग ऐसे कच्छा लगा कर पहनते हैं ना, वो कभी कच्छा लगा कर नहीं पहनते। बोले हमारी जगन्नाथ जी ना उनको पीछे से एकदम पूरा बांस को लगा, बांस एकदम दे दिया अंदर में, इसीलिए वो अंदर वो काछा देकर नहीं पहन सकते। वो ऐसे 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 बात बोलते थे ना एकदम, अगर कोई थोड़ी उल्टा पुल्टा बोल दिया हमारे धर्म को विरोध में, वो इतने कड़क बात बोलते थे, बड़े स्ट्रांग वक्ता थे। और बंगला भाषा में दूसरे उल्टा पुल्टा जितने मतवाद को वो ऐसे खंड विखंड करते थे बड़े सुंदर रूप में। इसलिए उन्होंने भजन गाए हैं, ये भजन उनका भजन है। इसमें कहते हैं हमने थे कहाँ, हम आए कहाँ पर,
फिर हम जाएंगे कहाँ? क्या कभी कोई सोचता है? वो बोल रहे हैं हम कहाँ पर थे, क्यों आए, और इसको बाद में फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या इसी विषय में कोई कभी सोचता है? कभी कोई सोच रहे हैं? कोई नहीं सोचते। खाओ पियो, जीवन को ऐसे ही गमा दो, ऐसे ही गमा दो हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं साधु शास्त्र वाणी कत जो सुनी तब बोझा तो गलना। इसलिए हम लोग हर समय में साधु संत से सुनते हैं हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ये शरीर का प्रति आसक्ति नहीं करनी चाहिए, प्रेम केवल ठाकुर के प्रति करनी चाहिए, दुनियादारी में नहीं करनी चाहिए। हम कितने कितने हम सुनते हैं, क्या अभी तक ये मन को समझा पाए? वो कह रहे हैं अभी क्या ये मन समझ गया? अभी भी ये मन समझ नहीं पाया, इतना सुनने पर भी। कहते आना गोना सार सकल ही असार बुझा इले तो बुझिना। इसलिए साधु गुरु वैष्णव हम लोगों को कितने समझाते हैं, अगर हमने प्रभु का भजन नहीं किया, अगर केवल इसी जीवन में आए लेकिन प्रभु का भजन नहीं किया, तो इसमें क्या है? सकल ही असार। कहते आना गोना सार मतलब और आए और गए हैं। कहते लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, मतलब अगर आए इस संसार में, संसार का सारे कर्तव्य को हम अच्छे तरह से पूरी किया लेकिन भगवान की भजन नहीं किया, तो कि तुम लोग केवल आए और केवल गए, तुमसे कुछ नहीं हुआ है, तुमसे कुछ नहीं हुआ है हैं। लेकिन बुझाने पर भी जो मन है ना, ये मन ये चीज़ को नहीं समझता है कि जन अभाव भेद भेबेत कत भाव स्वभाव छाड़ा गेलना, कि जन अभाव भेबे कत भाव स्वभाव छाड़ा गेलना। इसलिए देखना इसी संसार में हम सब कुछ तो करते हैं लेकिन अंदर में ऐसे कुछ लगता है जैसे अंदर में कुछ खाली पड़े हैं। सब कुछ करते हुए भी अंदर अंदर में लगता है कुछ चीज़ की कमी है, हैं कुछ चीज़ की संसार में कुछ चीज़ की कमी है, लेकिन ये चीज़ को समझते हुए भी कहते हम अपना स्वभाव को छोड़ नहीं पाते हैं। जितते हबे ठीक सब बैठीक सठी की जाना गेलना। कहते सबको पता है एक दिन ये संसार हमें छोड़ना पड़ेगा, बताओ कौन नहीं जानता? सब जानते हैं ना, एक दिन हमको घर द्वार भाई बंधु पुत्र परिवार एक दिन हम सबको छोड़ना पड़ेगा। और संसार में जो कुछ कर रहे हैं सब बैठीक मतलब किसी सही नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, लेकिन सठी की जाना गेलना, लेकिन वास्तव रूप में क्या सच है अभी ये चीज़ को अभी तक भी हम लोग समझ नहीं पाए। वास्तव रूप में सच्चा किया संसार में सच्चा किया है कि करीब हाय भावी से सदाए से सहल ना बासना। इसलिए कह रहे भैया अभी कि करीब हाय मतलब हम क्या करें, क्या भावी जे सदाए हर समय तो सोचते क्या, लेकिन से सहल ना बासना, लेकिन ये वासना हमारी ऐसे जो इच्छा जो वासना है ये वासना ये छूटता नहीं है, ये संसार की जो वासना ये नहीं छूटता है। भाभी सदा मने जन्म में भूगे चीजें कत जातना। कहते एक जन्म नहीं कितने जन्म से हम भगवान को भूल करके जब संसार में आते हैं, संसार में तन से दुखी, मन से दुखी, घर से दुखी, परिवार से दुखी, हम केवल दुखी दुखी भोग करते हैं। जातना कथा जन लाथे लागे बैठा से बैठा दूर होलना। जातना कथा जन लागे बैठा मतलब हम जब मातृगर्भ में आए कितने दुख कष्ट भोग किया हम संसार में भी की कितने दुख कष्ट भोग हमने किया, लेकिन अभी तक तो वो दुख जा ही नहीं रहा है। इसलिए सुनी श्री श्री हरि साधना कर ले जातना सब है अवसार। लेकिन ये संसार का दुख कब खत्म होगा? बोले तब भी ये संसार का दुख खत्म होगी जब भगवान की शरण में हम जाएंगे, तभी ये सारे संसार दुख होगा। श्री हरि दर्शन हवे की कखन भाविया आकुल मन। इसलिए कब ऐसे ठाकुर जी का दर्शन होगा, हाँ ऐसे कब हमारी दर्शन होगा ठाकुर जी का? कत्तो उपदेश स्वदेश विदेश दिए छी सुने छी आमी यही भावी हाय लबे से बिताए संग की जा बे जानी ना। इसलिए उनका जो पद बड़े सुंदर सुंदर पद गा रहे हैं,
हमने वो स्वयं को स्वयं कह रहे हमने देश और विदेश में हैं दिए छे सुने छे आमी, मतलब हमने देश विदेश में बहुत सारी कथा हमने सुनाई, लेकिन एबे भाभी हाए लबे से विदाए संगे की जानी ना। इसलिए कहते हैं हमने संसार में तो बहुत उपदेश सुना और सुनाया, लेकिन हाय क्या है, अभी संसार से हमें विदाई लेना पड़ेगा, संसार से विदाई लेना पड़ेगा। क्या साथ में चलते समय कुछ जाएगा, संसार का कोई वस्तु हमारी साथ में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। हैं पिए छिन्नु हरी भावेर कांडारी सदगुरु यही भावे किंतु भव पार हरिम अपार बोली आची उच्चर उच्चरबे। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से हमें बड़े भाग्य से हमने सदगुरु श्री प्रभुपाद हमें प्राप्त हुआ। कहते गुरुदेव कौन है, बोले भव संसार का कांडारी, मतलब जैसे नाव जैसे चलते हैं ना, जो नाव चलाते हैं गुरुदेव हमें क्या करते हैं, ये भव संसार से हमें गुरुदेव पार कर देते हैं संसार से। एवे सदगुरु भेवे किंतु भव पार हई मु अपार बलिया छे उचरवे अंतिम आगत तब पद न तो हय दास संत कहे रांगा पाए ठाई दियो गो गोसाई हरि पद स्थान चाहे। यहाँ पर कह रहे हैं जो पदकर्ता भक्ति को मुद संत गोस्वामी महाराज हैं, कहते हैं अंतिम आगत तब्य पद न तो हय दास संत कहे गो गोसाई हरि। इसलिए अंतिम समय में कहते हैं ठाकुर जी आपका जो श्री चरण है रांगा पाए, मतलब आप भगवान का चरण एकदम लाल रंग का होता है हैं, इसलिए भगवान चरण में सारे दुख सारे अशोक अभय अमृत वो प्रार्थना करते हैं। कहते हैं गोसाई आप कृपा करें ठाकुर जी अंतिम समय में अपना चरण में हमें स्थान को दे दो हैं, आपके चरण में हम स्थान प्राप्त करते हुए जैसे ये जीवन का जैसे धन्य हो जाए। इसलिए भजन में कहते बोले एक समय एक गुरु एक चेले थे, सुन दो ये कथा, कथा को सुन लो। चले गुरु चेले थे, चेले रोज रोज गुरु जी के पास में कथा सुनने आते थे। एक दिन गुरु जी कथा सुनाते सुनाते बोले देख बेटा ये संसार में कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार, ये संसार में प्रेम भी नहीं है, संसार में प्यार प्रेम नहीं। बोले गुरु जी आप तो घर गृहस्थी किया ही नहीं, आपको कैसे पता है, आपको पता है जब मैं मेरे थोड़ी घर में जाने में थोड़ी लेट हो जाता है पत्नी हैं कितने चिंता करती, तेरे को पता, आपको पता थोड़ी है बच्चे खाना पीना नहीं खाते हैं, हैं आपको क्या पता है। इसलिए आप कह रहे हो संसार में कोई प्रेम प्रीति नहीं, सब स्वार्थ है। तो गुरु जी ने कहा बेटा देखना चाहते, बोले गुरु जी क्या दिखाओगे, बोले देख बेटा तेरे को मैं एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र को आज तुम घर में जा कर के ये मंत्र ऐसे मंत्र है, ये मंत्र बोलते तुम्हारे शरीर छूट जाएगा, लेकिन कौन क्या बोल रहा है सुन रहा है ये सब बात तुम सुन पाओगे। और तुम आज घर में जा करके ऐसे थोड़ा नाटक करना, आज तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं अंदर से घबराहट सा क्यों आ रहा है, और ये मंत्र बोलते बोलते हैं तुम बोल देना, अगर मेरे शरीर में कोई उल्टा पुल्टा चीज देखे ना हमारे गुरु जी को थोड़ा याद करवा देना, और ऐसे जगह पर गिरना दो पिलर के बीच में, जब तक पिलर को तोड़े नहीं तब तक शरीर निकले नहीं हैं, फिर देख लेना। बोले ठीक है गुरु जी। अभी उसने आए आ करके गुरु जी जैसे बोले थे, और बोला आज मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, कुछ बेचैन सा लग रहा है, हाँ सर दर्द हो रहा है, लगता है जैसे मेरा शरीर नहीं रहेगा। थोड़ी सी उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया। ऐ उसको सुनते ही तो उसको पिता माता बच्चे पत्नी सबके घिरी, बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले पता नहीं शरीर कैसे कैसे कर रहा है, मेरा बेचैन से आ रही, ऐसे लगता है शरीर छूट जाएगा, सब रोने लग गए। ऐसे करते करते बोले देखो अगर मेरे शरीर में कुछ उल्टा पुल्टा देखो तो गुरु जी को बुला लेना। इतने में करते 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 बस गुरु जी को दिया हुआ मंत्र बोले, और दोनों पिलर में धड़ांग करके गिरे। बोले तो हाथ प्यार फेंक करके गिरना, जब तक पिलर तोड़े नहीं तब तक तेरे हाथ प्यार ही नहीं निकले। इतने में बस धड़ांग करके गिर गए। हे गिरते ही तो पूरा घर में रोना धोना शुरू हो गया। उसकी मैया पिताजी कह रहे हैं ठाकुर जी हैं ठाकुर जी तुमने हमने क्यों मार नहीं दिया, और ये नया बच्चा है अभी दुनिया को देखा नहीं, थोड़ी सी कुछ दिन पहले शादी हुई, इसलिए अभी तो हमारे अंतिम समय आ गया था, हमें क्यों नहीं लिया, इनको क्यों ले लिया। पत्नी कहती है अगर ये जिंदा रहते तो कम से कम काम धाम करके बच्चों को पाल लेते। बच्चों ने कहा अगर पिताजी रहते तो संसार को देख लेते, हम क्यों नहीं मर गए,
ये रोना धोना शुरू हो गया। जब शुरू हो गया इतने में उनने में पूरा अड़ोसी पड़ोसी का लोग आ गए, बोले क्या हो गया क्या हो गया, बोले ऐसे ऐसे। लेकिन बोला था अंतिम समय में गुरु जी को याद करा देना। इतने भागते भागते गुरु जी के पास में गए, गुरु जी को तो सब बात पता है। बोले गुरु जी ऐसे हो गया तो शरीर छोड़ दिया। बोले क्या अभी अभी तो आश्रम से गया। बोले हाँ अभी अभी तो आया था आश्रम से, बोल रहा था हमारा तबीयत कुछ सही नहीं, कुछ बेचैनी सा हो रहे हैं, और बोला था अगर कुछ देखो तो गुरु जी को याद करा देना। गुरु जी को तो जैसे कुछ पता नहीं। गुरु जी भागते भागते आए, और भागते भागते आए तो नाड़ी नबज को पकड़े तो देखा शरीर ही छूट गया। बोले तो शरीर ही छूट गया, नाक में रुई लगा कर देखा तो निश्वास प्रश्वास भी बंद है। बोले इसका तो राम नाम सत्य हो गया। बोले हाँ गुरु जी सब रो रहे थे हम क्यों नहीं मर गए, ये कहीं मर गया, पिता माता बोल रहे थे हम मर जाते अच्छा रहता, ये कुछ संसार देखा नहीं, रो रहे थे धनु जो रो रहे थे। इतने में बोले क्या किया जाए। इतने में बोले गुरु जी आप कुछ व्यवस्था करो, क्या होगा नहीं होगा। गुरु जी बोले देखो एक व्यवस्था तो है। बोले क्या व्यवस्था बताओ, आप जो बोलेंगे हम सो करेंगे, आप बोल दो क्या करना पड़ेगा। बोले ये बच सकता। बोले बच सकता है गुरु जी। बोले हाँ बच सकता है, लेकिन एक कठिन उपाय। बोले क्या उपाय। बोले अगर कोई व्यक्ति इनको प्राण दे दे, इसका प्राण का विनिमय में ये बच सकता है। जब गुरु जी इतना बोल दिया ना, जो रोना धना को खत्म, अभी कोई रो नहीं रहे। क्यों, प्राण देने का टाइम आ गया ना है। प्राण तो सबका प्यारा होता है, प्राण सबका प्यारा, प्राण देने का टाइम है, उसको प्राण देना पड़ेगा। अभी सुनते ही रोना धोना बंद, प्राण कौन देगा, अपना प्राण कौन देगा, सारी रोना धोना बंद हो गई। जब बंद हो गई, गुरु जी ने बोला क्या हो गया, तुम लोग सो रो रहे थे, सब चुपचाप कैसे हो गए हो। अगर कोई प्राण दे दो, प्राण देने पर फिर जिंदा हो सकता है। इतने में गुरु जी ने कहा अभी तो तुम उसको पिता माता को बोले अभी तो तुम बूढ़ा बूढ़ी हो गए हो, अभी तो कुछ दिन बाद में मरने वाले, अभी अपना प्राण दे दो। अभी तो बोल रहे थे हम क्यों नहीं मर गए, बच्चा क्यों मर गया, इसलिए तुम दोनों को ही प्राण दे दो। इतना बोलते ही ऊपर तो प्राण एकदम सुखना सर एकदम एकदम पूरा आश्चर्यचकित में हो गए। इतने में कह रहे गुरुदेव और कितना दिन हम जिंदा रहेंगे, थोड़ी दिन तो जिंदा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे थोड़ा घूमेंगे। जो मरा हुआ व्यक्ति थोड़ी कोई जिंदा होता है, मर गया उसको छोड़ दो ना, जला दो कोई बात नहीं है, उसको जला दो। अभी वो प्राण देने के लिए तैयार नहीं। इतने में पत्नी से बोले तुम तो अभी बोल रही थी जे मैं क्यों नहीं मर गई, ये क्यों मर गए, इसलिए ये रहते तो बच्चों को पाल संसार को पाल लेते, अभी तुम शरीर छोड़ दो। बोले गुरु जी मैं पिता माता की एक बेटी हूँ, पिता माता की मैं एक बेटी हूँ, इसलिए पिता माता मेरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं मर जाऊँ तो हमारे पिता माता दुखी होएंगे, इसलिए मरा हुआ व्यक्ति थोड़ी जिंदा हो तो मर गया छोड़ दो, उसको जला दो। कोई बच्चों को बोले भैया तुम दे दो, तुम तो बोल रहे थे अभी ये रहते थे संसार को पाल लेते, तुम दे दो। बोले गुरु जी अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो दुनिया को देखा ही नहीं हमने, अभी तो लिखाई पढ़ाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादीशुदा करेंगे, हमारा जीवन बड़ा लंबे पड़ा हुआ है, हम क्यों संसार से शरीर देंगे, मर गए छोड़ दो ना इसको। इतने में गुरुदेव ने कहा अगर एक काम करो, ये शरीर को तो निकालना पड़ेगा, और निकलने के लिए तो ये दोनों पिलर को बीच में पड़ा हुआ, फिर तो ये दोनों एक पिलर को तोड़ना पड़ेगा। उनका पत्नी ने कहा गुरु जी पिलर क्यों तोड़ोगे, ये तो मर गया फिर इसके लिए इसका हाथ पैर काट कर निकाल दो ना, इस पिलर क्यों तोड़ोगे, हाथ पैर काट दो। उसने इतना बड़ा तलवार ले आया, बोले गुरु जी इससे सच काट देगा शरीर को, काट देगा तो सर, वो तो मरा नहीं, वो तो बच्चा हुआ ना, वो सब सुन रहा था कौन क्या बोल रहे हैं, वो सब सुन रहा था धीरे धीरे। इतने में वो ले आए खड़गो को, बोले गुरुदेव इसमें काट देंगे, तो डर गया मतलब मरा नहीं तो बचा हुआ मैं, वो तो जिंदा हूँ, वो कह रहे हाथ पैर काट देंगे, वो तो अदर में कांप रहा है। इतने में गुरु जी ने कहा देखो तुम लोग तो कोई प्राण देने के लिए तैयार नहीं, फिर इतने क्या किया जाए, फिर इतने इसको फिर मैं प्राण दे दूँ। बोले गुरु जी आप ही मर जाओ, आप ही मर जाओ, आपका बीवी बच्चे तो कोई है नहीं संसार में, तुझे कोई देखने वाले नहीं, इसलिए आप ही मर जाओ, बड़ा पुण्य है, हैं आप ही मर जाओ, प्राण दे दो फिर बच जाए गुरुदेव, ये परोपकार सबसे बड़ा उपकार, इसलिए आप ही गुरुदेव मर जाओ, हैं। गुरुदेव बोले ठीक है, वो तो मरा नहीं था। अभी गुरुदेव ने उसको छाती पर हाथ रखे, और हाथ रख करके फिर गुरु जी मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ते ही वो तो खड़ा हो गया।
हैं, वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर के गुरु जब चलने लगे ना, चेला भी पीछे पीछे चलने लगे। अब उनका बीवी बच्चे जितने थे पितामह, बोले कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो। बोले मैं तो सोच रहा था मेरे को तुम लोग बड़े प्रेम करते हो, बड़े प्यार करते हो, मैंने देखा तो अभी मैं तो सारे बात को सुन रहा था, कौन किस लिए क्या क्या बोल, सारे बात को सुन रहा था। जगत में देखा कोई तो किसको प्रेम नहीं करते हैं, वो अपना स्वार्थ में सबके सुबह लगे पड़े। हमें तो लग रहा था मेरे बजे मैं अगर मेरे लोग बहुत प्रेम करते मेरे बगैर ये जिंदा नहीं रहेंगे। मैंने देखा तो कोई भी मेरे को प्रेम नहीं करते, बोले इसको शरीर को जला दो नहीं तो मेरे हाथ पैर तो काटने वाले थे तुम लोग, इसलिए जिसने मेरे को प्राण दिया मैं तो उनको साथ में जा रहा हूँ। मेरे तो आज आँख खुल गई, मेरा आज नेत्र खुल गई, मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए गुरु जी के साथ। इसलिए ये भजन में वो वही बात को महाराज जी कह रहे हैं, हमने कभी सोचते नहीं हम कौन है, संसार क्या है, हम कहाँ से आए, हम क्या कर रहे हैं, इसको बाद में हमें कहाँ जाना है। लेकिन ये ज्ञान किससे प्राप्त होता है, कहते ज्ञान केवल सदगुरु से ही, ये ज्ञान जीव को सदगुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए लास्ट में कहते ठाकुर जी हर समय आप इतना ही करते रहे ना, आपका श्रीचरण में हमें अपना स्थान को देना, अपना श्रीचरण में। इसलिए ये भजन इनकी केवल एक भजन नहीं, इनकी बहुत सारे भजन यहाँ पर हैं, बहुत सारे भजन हैं। शाम को उनकी कथा भी सुनेंगे, पढ़ करके आएंगे, उसको पढ़ करके आना पंडित जी, हाँ पढ़ करके उनका जीवन को चरित्र आना, बहुत अच्छे अच्छे जीवन है उनका, हाँ बहुत अच्छे अच्छे जीवन है, कैसे उनने साधना भजन किया, कैसे भक्ति किया, उनका अच्छे ही जीवन है। ठीक है, बोले राधे जय जय माधव दयित जय राधे जय जय
5 मिनट कथा सुन लेते। ओम ज्ञान तिम्राम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री पृथु महाराज जी यज्ञ कर रहे थे, जब उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए संकल्प किए और उनकी जब यज्ञ पूरी होने जा रही तब इंद्र तो डर गया, बोले हो ना हो ये हमारी स्वर्ग राज्य को नहीं ले ले। इसलिए इंद्र ने उन्होंने तरह तरह का रूप धारण करते हुए, उन्होंने कापाली का रूप, नंगे साधु का रूप हैं, ये सब रूप धारण करते हुए उन्होंने उनकी घोड़े को हरण करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि अगर घोड़ा अगर अपहरण हो गया तो फिर यज्ञ नहीं हो सकता है। इतने में लास्ट में जब उन्होंने ये सब काम को किए, इतने में ऋषि को तो बड़ा क्रोध आया है, ऋषि को बड़ा क्रोध आया अत्र ऋषि को, बोलिए इंद्र को ही स्वाहा कर देते हैं, ये बारंबार क्या कर रहा है, यज्ञ में बाधा डाल रहा है, ऐसे मंत्र पढ़ेंगे इंद्र समेत आकर के अग्निकुंड में स्वाहा हो जाएगा। अभी तो ब्रह्मा जी डर गए, ब्रह्मा जी आकर के उनको सांत्वना दिए, उनको कल सुन रहे थे, उनका आशीर्वाद दिया। इसलिए हम गतकल्य श्रवण कर रहे थे, यहाँ पर कह रहे हैं भगवान ने पृथु महाराज क्या बोले, देखो तुमने जो यज्ञ किए हो ये यज्ञ से देखो कितना अनर्थ हुआ है। बोले क्या अनर्थ हुआ है, कहते इंद्र ने ये जो भंड साधुओं का रूप धारण किया, कौन सा साधु रूप, बोले नंगे साधु, कभी नंगे थोड़ी होते हैं, साधु को देखने से हृदय पवित्र होता है, अगर किसी नंगे किसी साधु का दर्शन करो हृदय अपवित्र हो जाएगा, हृदय हमारी मैला हो जाता है, नंगे रूप देखने से हृदय में थोड़ी भक्ति भावना आएगी, इसलिए इसने एक नंगे साधु रूप धारण किया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने एक कपालिक रूप धारण किया, जो खोपड़ी में शराब पीते हैं, स्मशान में रहते हैं, लाल कपड़े त्रिशूल पहन करके त्रिशूल धारण करते हुए जो अघोरी रूप धारण किया। ये जो रूप धारण करके इंद्र गया है, क्या होगा भविष्य में, लोग इसी मार्ग में चलेंगे, लेकिन ये असत मार्ग, ये सत मार्ग नहीं, ये असत मार्ग है, इसलिए जगत में पाखंडता फैलेगी। इसलिए देखो तुमने कितना अनर्थ कर डाले हैं, इसलिए उन्होंने फिर उनको यज्ञ को बंद करवाए, बंद यज्ञ को बंद करके फिर उसको बाद में जितना देवता लोग आए थे आह्वान किया था, सबके सब यज्ञ में सबके सब राजा को आशीर्वाद दिए, सब ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दिए हैं और सबके सब संतुष्ट हो गए। इतने में भगवान ने इंद्र को लेकर के आए, बोले भगवान अभी वैकुंठ साकम मघवता विहु यज्ञ यज्ञपते तुष्ट यज्ञ भूकतम भासत। कहते जो यज्ञेश्वर जो प्रभु जो विष्णु इंद्र को लेकर के यज्ञ में उन्होंने उपस्थित हुए हो करके उन्होंने बोले पृथु ये इंद्र ने तुम्हारे चरण में अपराध किया, क्योंकि तुम यज्ञ करना चाह रहा था भगवान की, इसने बाधा डाला है, इसलिए तुम ये काम करो इसको अपराध को तो माफ कर दो, इसने जो अपराध किया है इसको अपराध को तुम माफ कर दो हैं,
इसलिए क्षमा कर दो। इसलिए जो जो नरतम हिंसा करे ना, कभी ये शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर तो जड़ है, हैं, ये शरीर तो जड़ है, इसलिए जो नरतम है, नरम जो उत्तम, वो कभी हिंसा नहीं करते हैं, इसलिए इसकी अपराध को तो माफ कर दो। जो माफ कर दो, बोले उन्होंने माफ कर दिए। इतने में भगवान ने पृथु महाराज को बोले, तुम कुछ बर मांगो, क्या चाहते हो, तुम्हारी आराधना में मैं संतुष्ट हूँ। तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने बर प्रार्थना किया। बले अथा बस अथा बृज्याश्रुकला विलोकम न तृप्त दृग्गो चरमाह पुरुषम पदा स्पृशन्ति खितिमतम उन्नते बन्नस्त हस्ताग्रम मुरंग विद्वासा। प्रार्थना करे बोले प्रभु, उनमें से पृथ्वी महाराज प्रेम में गदगद हो गए। गदगद होकर के अपना अश्रु को मार्जन करते हुए जब उन्हें सामने देखा, क्या सामने देखा, भगवान ये पृथ्वी को स्पर्श करते हुए और गरुड़ को ऊपर में ठाकुर जी अपना हाथ को न्यस्त करते, हाथ रख करके हैं भगवान खड़े हैं। और भगवान कहते, भगवान कौन है, कहते अपरितृप्त लोचन पथ अवस्थान। कहते भगवान का रूप कैसे है, जैसे भगवान को देखो है ना, कभी तृप्त नहीं होता है। लेकिन इस जगत में कोई चीज़ देख लो, कोई चीज़ को बारंबार देखोगे तो उसके बाद में नफरत हो जाती है। बढ़िया सिनेमा आ जाए, एक बार देख लो, दो बार देख लो, तीन बार, उसके बाद में फिर देख नहीं सकते हो। जगत में कोई भी रूप संसार में देखो, कोई भी चीज़ को देखो, कुछ दिन तो थोड़ी समय, कुछ दिन के लिए तो अच्छा लगता है, उसके बाद में फिर तो अच्छी नहीं लगती। कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ है, जब पहले एक नया घर बनाते हैं अच्छी लगता है, इतना सुंदर घर बना है, और उसी घर में रहते 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 तो कुछ दिन बाद में और अच्छा लगता है। अरे एक ही चीज़ कितना बार देखेंगे, यहाँ पर तो करते नहीं, विदेश में क्या करते हैं, बढ़िया घर बने, कुछ दिन रहेंगे, फिर वो घर में नहीं रहेंगे, फिर वो चेंज कर देते घर को। बोले एक ही चीज़ को कितना दिन तक देखते रहेंगे, फिर नया घर में लेते, फिर ऐसे बदलाते बदलाते रहते हैं। इसलिए कहते भगवान कैसे हैं, कहते अतृप्त नयन, मतलब ये जो आँख हैं, हैं जितने बार आप जैसे जगन्नाथ जी जब जब देखते हैं तब तक हम नया लगता है कि नहीं। सवेरे मंगलारती में दर्शन किए, फिर उसके बाद श्रृंगार आरती, फिर भोगारती, फिर शाम को, फिर आरती का समय में जब जब देखते हैं ठाकुर को अच्छी लगती कि नहीं, कभी तृप्त नहीं होते। रोज तो कथा सुन रहे हैं ना, कथा तो रोज सुनते हो है ना, ठाकुर कथा रोज सुनते हो, कभी तृप्ति लगती है, बोले कब सुने कथा कब सुने। लेकिन संसार का कोई बात एक बार सुन लो, दो बार, तीन बार हो गया, कितना सुनाते रहते एक ही बात को, हैं, एक ही बात को कितने सुनाते रहते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, उन्होंने क्या देखा, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, उनको देख करके उन्होंने देख करके उन्हें संतुष्ट हो गए, हो करके हाँ, तब उनको उन्होंने स्तुति किया। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उन्होंने अश्रु मार्जन करते हुए क्या देखा, ठाकुर जी ये पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े हुए, तब यहाँ पर कहते हैं जो देवता लोग होते हैं उनके अंदर में दो गुण हैं। क्या दो गुण हैं बोलो, हाँ, उनका जो प्यार है ना, कुछ जो देवता होते हैं कभी ये पृथ्वी को उनका प्यार स्पर्श नहीं करेगा, इनका एक गुण है। और दूसरा गुण है हमारा आंखों का जो पलक झपती है ना, उनका पलक कभी नहीं झपेगी, हर समय देवता की आंख खुली हुई रहेगी। और चरण कभी, जब साधारण देवता की ऐसी स्थिति पर ठाकुर कैसे नहीं होंगे, हैं, लेकिन उनने क्या देखा, ठाकुर जी का चरण क्या है, पृथ्वी को स्पर्श किया हुआ। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं क्या उन्होंने देख, क्यों चरण स्पर्श किया हुआ, कारण क्या है। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं, कहते साधारण देवता का जब चरण स्पर्श नहीं करते हैं तो यहाँ पर भगवान भक्तवत्सल प्रभु किस लिए चरण स्पर्श किए हुए, इसलिए स्पर्श किए हुए इन्होंने भक्तों का प्रेम में इतने बसीभूत हो गए, पृथ्वी महाराज की भक्ति में वो इतने प्रेम में बसीभूत हो गए, अपना शुद्ध बुद्ध कई ठाकुर जी खो गए थे, खो बैठे करके अपना चरण को पृथ्वी पर इसलिए स्पर्श हो रहा था भक्तों का प्रेम में द्रवीभूत होकर के। फिर उन्होंने क्या किया था, कि आप एक हाथ गरुड़ के ऊपर रखे थे, बोले गरुड़ के ऊपर क्यों हाथ रखे थे, बोले इसलिए आप देखना कोई ज्यादा प्रेम में ज्यादा द्रवीभूत हो जाता है ना, गिर जाता है,
ज्यादा अगर प्रेम में कोई व्यक्ति विभोर हो जाता है, क्या कहता है, व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए ठाकुर जी पृथ्वी महाराज का प्रेम में इतने विभोर हो गए थे, इतने उनका प्रेम को देख करके जैसे वो गिर नहीं जाए, इसलिए उन्होंने गर्भ जी के ऊपर उन्होंने हाथ को रख करके ठाकुर जी खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहते तुम मेरे से जो कुछ मांगना मांग लो मेरे से। तब तो कहते क्या तुमको मुक्ति चाहते हो, स्वर्ग लेना चाहते हो? बोले प्रभु ये मुक्ति का नाम सुनते ही हमारा कान है कैवल्य, मुक्ति का नाम सुनते ही हमारा कान दर्द होने लग जाता है। क्योंकि जो भक्त लोग है कहते हैं नरक बांछे तब साजु जीना चाहे, कहते भले ही हम नरक भी चले जाए लेकिन ये मुक्ति जो साजु जो मुक्ति नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले नरक से तो कभी उद्धार होगा, फिर भक्तों का संग होगा तो फिर हमें भक्ति मिलेगी, लेकिन एक बार अगर ये कैवल्य मुक्ति में ब्रह्म में अगर एक बार साजु जो मतलब मिल जाए ना, फिर जीव का सत्ता चिरकाल के लिए खत्म हो जाता है, फिर भगवान के प्रेम के अधिकारी कभी नहीं बनते। इसलिए कहते हम मुक्ति नहीं चाहते ही। बोले स्वर्ग, बोले नहीं हम जब मुक्ति नहीं चाहते स्वर्ग की बात क्या है, हैं ये स्वर्ग की स्वर्ग में क्या है, यहाँ पर जो भोग है ना उससे थोड़ी ज्यादा भोग स्वर्ग में, इतना ही और कुछ नहीं। और कब तक स्वर्ग में रहेंगे? जब तक पुण्य खत्म नहीं होगा, पुण्य यही पर फिर आएंगे, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में फिर पड़ गए। और स्वर्ग में गिरना बड़ा दुख की बात है, हैं जो इतने ऐश में आनंद में वहां पर इतना भोग कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कुछ काम नहीं। फिर आप अगर सोचोगे नहीं अभी स्वर्ग खत्म हो गया, फिर पृथ्वी में बढ़िया किसी धनी मानी घर में जन्म ले लेते हैं और करके फिर दान पुण्य करेंगे फिर स्वर्ग आएंगे, कहते नहीं वहाँ आपको दिस साइड से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हो लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं करके फिर भारत में आ सकते हो, फिर तुमको मानव शरीर मिलेगा, ऐसे कोई बात नहीं। इसलिए कहते प्रभु हमें ये सब चीज कुछ ही चीज हमें जरूरत नहीं। कहते ये नरक में तो जीव को भी ये भोग ये नरक में जीव को प्राप्त होता है, इसलिए हमें ये चीज नहीं चाहिए। बोले क्या फिर चाहते हो? देखो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, ये श्लोक को सबको याद करना। बोले न कामय नाथ तदप्यहम क्वचित न जत्र जुष्मत चरणाम्बुजा सब महतमांत हृदय मुखाच्युत विवत्सो करना उथ मे बर। बोले हे प्रभु न कामय नाथ तदप्यहम क्वचित, अगर बोले तुम कैवल्य ले लो मुक्ति ले लो हैं, बोले प्रभु ये कैवल्य मुक्ति में हमारी कोई रुचि नहीं है। मुक्ति क्या जानते हो? मुक्ति उसको बोलते हैं जैसे ब्रह्म साजु जो मतलब जाकर के ब्रह्म में अपना ज्योति ज्योति ब्रह्म में अपना को लीन कर दो मिला दो। जैसे एक व्यक्ति नशा करते हैं ना, नशा में क्या होता है बेहोश होकर पड़ा होता है, वही होया वहाँ पर है। वहाँ पर नशा में जैसे बेहोश होकर पड़ रहे थे वहाँ पर एक तरह का मुक्ति नशा जैसे बेहोश होकर अचेत होकर जैसे पड़े रहोगे वहां पर है और कुछ नहीं, वहां पर अचेत होकर पड़े रहोगे। इसलिए कहते प्रभु हमारे उसमें कोई रुचि नहीं। बोले फिर तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो प्रभु? बोले हम चाहते हैं हमें एक ही वर प्रदान करो। हमारा तक एक ही वर ना होता तो बोलते थे हमें भगवान कहते हमसे एक वर ले लो। बोले हमें किसी चीज की वर की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ तक मुक्ति भी हम नहीं चाहिए। तब यहाँ पर कह रहे फिर तुम चाहते हो क्या है? बोले प्रभु हम यही चाहते हैं अपना भक्तों का संग दो, आपका भक्त का संग दो। तो उन्होंने बोले मुक्ति क्यों नहीं चाहते हो, फिर भक्त संग क्यों चाहते हो, क्या कारण है? इसका कारण है कहते बोले जुस्मत चरणाम भुजा सब प्रभु, इसलिए हम भक्तों का संग चाहते हैं, भक्तों के साथ में आपका चरण की है चरण रूपी जो कमल है, हैं कमल की जो खुशबू बा आपकी चरण रूपी कमल की जो खुशबू है कुछ जो मधु है, कहते ये भक्तों की संग से प्राप्त होता है। क्योंकि भक्त लोग करते हैं क्या, कहते भक्त लोग मत कथा मत कथा चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुसन्ति च ममन्ति च। भक्त का संग अगर हमें मिलेगा हर समय भक्त तुम्हारी कथा करते हैं, जब तुम्हारी कथा हम सुनेंगे तुम्हारी कथा में बड़ा आनंद है, तुम्हारी कथा अमृत है, तुम्हारी कथा में सारे दुख दूर हो जाता है, सारे जीवन में मंगलमय लाभ होता है, तुम्हारी कथा से जीव को चैन मिलता है, हृदय में शांति मिलती है।
इसलिए जुस्मात चरणाम भुजा सब, आपका जो चरण रूपी जो कमल है, हैं रूपी जो आसब, आसब मतलब होता है मदिरा, हैं मदिरा, जैसे आप भंवरा को देखना ना, जैसे कमल में भड़रात रहता है, उसमें इतने मधु, इतने मधु उसका अंदर में, एक बार पिएगा फिर उड़ेगा, फिर उसको भन भन कर फिर बैठेगा, और कभी कभी उसको अंदर में इतने मस्त हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए कहते हैं आपके आपका जो चरण रूपी जो कमल में जो आसब है, आसब मतलब शराब, इसलिए भागवत में कथा को एक उदाहरण दिया, भगवान कथा के बोले शराब, भगवान कथा क्या बोले शराब, कहते इसको जो संसार के जो शराब पीते हैं ना, जैसे रात को पीते हैं लोग, सवेरे नशा उतर जाती कि नहीं, लेकिन ये नशा उतरती है, जैसे आप लोग शाम को आए कथा सुने, फिर वो नशा ज़्यादा इतना चढ़ गया, फिर सवेरे मंगलारती में आ गए, वो नशा चढ़ी कि नहीं, वो नशा घटी नहीं हैं, और ऐसे नशा नशा इतने तेज हुई, शाम को पी कर गए ये नशा को, लेकिन इतना तेज हुई, फिर रात को चैन नहीं, कितना बजे उठ गए, 4:30 बजे उठ गए होंगे, उठ करके इतना ठंडी में कमल, जिसको कभी हाँ रजाई कभी निकालने की इच्छा होता है थोड़ी, उसमें ज़्यादा नींद आती है, उस समय कमल को फेंक देते हो, वो नशा इतना चढ़ जाती है, कमल को फेंक करके क्या करती हो, स्नान करके, इस समय स्नान थोड़ी अच्छी लगती है, ठंडा लगती है ना, कपड़ा खोल कर स्नान करना पड़ता है, तभी क्या करते हैं उसमें, स्नान करके ठंडी में तिलक लगा करके फिर भागते भागते, घर से कोई निकलते नहीं होंगे, लेकिन आप लोग ठंड में भागते हुए फिर आ गए। इसलिए कहते ये जो आसब है, ये जो नशा है, ये कभी उतरती नहीं, ये नशा हर समय चढ़ती रहती है नशा, और ये नशा ऐसे एक नशा है ना, आप देखना घर में अगर पिता अगर नशा करते हैं, शराब पिता है, वो कभी भी अपना बच्चे को नहीं बोलेगा बेटा तू पी, कोई बोलेगा बोले बेटा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया मैंने, बेटा तू कभी इसमें हाथ मत लगाया करो, मेरा जीवन तक गया लेकिन तू हाथ मत लगाओ। लेकिन ये ऐसे एक नशा है ना, अगर पिता अगर पी लेगा ना, बेटा बोले भैया तू एक बार पी करके देख, हैं तू भी एक बार पी करके देख, अगर पति अगर पी लेगा ना, पत्नी को बोलेगी एक तू एक बार इसको पी करके देख कितना आनंद है, अगर पत्नी अगर पी लेगी ना, पति को जोर जबरदस्त पिलाएगी, बोले चलो गौड़ी मठ में चलो वहाँ पर थोड़ा कथा सुन करके आओ, थोड़ी सी भगवान की कथा सुन करके आकर देखो तो इसमें कितना आनंद कितना रस, आकर तो देखो हैं। अगर क्या करेगा खुद तो पिएगा, फिर तृप्त नहीं, फिर पकड़ से पैसा निकलेगा, निकाल कर सबको पिलाएगा, मतलब फिर कथा रखवाएगा, कथा रखवा कर फिर सबको निमंत्रण देगा, बोले चलो भागवत कथा हो रही है, चलो वो नशा को पियो, वो शराब को पियो। इसलिए यहाँ पर कहते बोले प्रभु, बोले अब की जब चरण कमल रूपी जो आसव है, जो शराब है, जो प्रेम है, क्या होता है, बोले महतमात हृदयात मुखाचुत, वो प्रेम कहाँ से निकलती है, हैं ये प्रेम जैसे साधारण जो नशा होता है, जो शराब बनता है, वो कहाँ से, कहीं से अंगूर से निकलता है, कहीं से अलग अलग रस से उसको बनाते हैं, लेकिन ये नशा, ये जो आसव है, ये कहाँ से निकलता है, बोले ये सब जगह से नहीं निकलती है, हैं कहते महतमात हृदयात मुखाचुतो, जो भगवान की महान जो भागवत है, जो भगवान की जो प्रेमी की जो रसी की भक्त है, हृदयात उनके हृदय रूपी हृदय से होकर के उनकी मुखारविंद से निकलती, भक्तों की मुखारविंद से ये कथा निकलती है। इसलिए भागवत में बताया सुख मुखात अमृत द्रव संजूतम, ये कथा को क्या करो, सुख की मुंह से जो निकली हुई कथा, ये कथा रस को पान करो, उनके मुंह से ये कथा पान करो। इसलिए कहते जो गुरु परंपरा रूप में जो ये कथा इसी संसार में आती है, गुरु परंपरा रूप में जो कथा ये रस को तुम लोग पान करो, हैं। अभी यहाँ प्रश्न करते हैं, हम वैष्णव से क्यों सुनेंगे, हम ये साधुओं से क्यों कथा सुनेंगे, और भी तो बहुत सारे लोग कथा करते हैं, वहाँ क्यों नहीं कथा सुनेंगे, तो इसका उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश से बारिश हो, अगर कहीं का मिट्टी अगर खारा मिट्टी मिट्टी हो ना, जब बारिश का पानी पड़ेगा वो पानी कैसे हो जाता है, खारी हो जाती है। कहीं के आप देखोगे जहाँ का मिट्टी खारी है ना, वहाँ का यद्यपि आकाश से पानी बरसती है, अब देखना वहाँ का पानी तुमको मीठा नहीं लगा, क्या लगेगी। अब तो वृंदावन में कभी गए, कहीं कहीं कुंड देखोगे वहाँ पर पानी इतने खारी,
जो मुंह से नहीं दी जाएगी। हैं कभी कभी देखोगे ऐसी जगह पर इतने खारी पानी है, इसलिए पानी तो मीठा है लेकिन वो कहाँ पर गिर गया, गिर गया वो खारी पानी मिट्टी में, इसलिए पानी भी खारी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहते बोले प्रभु हम कथा जहाँ तहाँ सुनना नहीं चाहते, कृष्ण कथा तो अमृत है, कृष्ण कथा तो अमृत है, लेकिन अगर कोई अवैष्णव का मुंह से अगर कथा सुन लोगे, कथा तो अमृत है। उदाहरण दिया जैसे दूध है, दूध पीने से क्या होता, खुदा निवृत्ति, शरीर में हृष्टि पुष्टि तुष्टि सब होता है, लेकिन उसी दूध में जब सांप मुंह मार देता है फिर क्या होता है, वो देखने के लिए तो दूध होता है, उसको पियोगे तो मरोगे। कहते उसी तरह कृष्ण कथा अगर जहां तहां अगर कृष्ण कथा को सुना तो वो कथा से भक्ति नहीं मिलेगी, उससे भक्ति नहीं मिलेगी, उसको सुनने से मरना पड़ेगा। मतलब भक्ति नहीं मिलेगी, दुनियादारी की चीज मिल जाएगी, माया की चीज मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कथा किसे महत्तमात हृदय मुखाचुतम, कथा को महान पुरुष की मुंह से कथा को हम श्रवण करेंगे, हैं ताहा बोलते जन विभत्सो। इसलिए प्रभु हमें क्या करो, हमें 10,000 कान दो। कितना कान दो, 10,000 कान। बोले 10,000 कान क्या करो, दो कान तो अच्छा लग रहा है, यहाँ दो कान, यहाँ दो कान, सारा शरीर में कान ही कान हो जाए, देखने में अच्छी लगेगी, थोड़ी अच्छी लगेगी अगर सारा शरीर पर कान ही कान हो जाए, अच्छी नहीं लगेगी। बोले दो कान तो बढ़िया लग रहा है, तू कहते 10,000 कान दे दे, 10,000 कान से क्या करोगे। बोले हे प्रभु इसलिए 10,000 कान चाहता हूँ, इसका दो अर्थ कहते हैं। इसलिए दो अर्थ कहते, जैसे भगवान की कथा अनंत है, कथा भगवान कहते ना हरी अनंत कथा, हरी कथा अनंत है, भगवान तो अनंत कथा है। अगर 10,000 कान होगा ना, फिर जहाँ जहाँ तुम्हारी कथा होगी फिर वहाँ वहाँ मैं पहुँचूंगा, पहुँच करके वो कथा रस को पान करूँगा, क्योंकि तुम्हारी कथा अनंत कथा। जैसे यहाँ कथा हो रही और भी कहीं तो कथा होती होगी, जैसे प्रभु कहीं की कथा चूक नहीं जाए, जितने कथा हो, बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ का कीर्तन होता है, हनुमान जी क्या करते हैं उतना रूप धारण करते हैं, और कृतज्ञ बाष्पांजलि वहाँ जा करके हाथ जोड़ करके आँखों से आंसू बहाते हुए उनका शरीर से पुलक पुलक हो उदित हो रहा है, कथा रस को पान करते। इसलिए प्रभु हमें तो 10,000 कान दे तो कहीं कथा नहीं चुक जाए, एक अर्थ। दूसरा अर्थ किया, बोले दोनों कान में इतनी ताकत दे दो, 10,000 कानों में कृष्ण कथा सुनने का जितना शक्ति हमें ये दोनों कानों में दे दो, दोनों कानों में हमें दे दो, हैं। इसलिए कहते प्रभु हमें 10,000 कान दे दो। इसलिए फिर क्या बोलते, फिर हम कल सुनेंगे ठाकुर जी को उनने और क्या प्रार्थना करते हैं। कुलवांछाकुलपुत्रभ्यश्च कृपा सिंधु भाई वच पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल कथा कुछ पढ़ कर आए कि नहीं।